नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। आई होप दोस्तों अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि जल्दी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, स्पेशली सेट एग्जाम के। दोस्तों अगर हम बात करें नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी दोस्तों एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि जल्दी दोस्तों आपको आपको SMS के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एग्जाम के बारे में। तो इसलिए दोस्तों मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, जल्दी दोस्तों आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की ओर से। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेपोजिशन को। आई होप दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों हम प्रेपोजिशन को कवर कर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक को कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों आगे हमारे इंग्लिश के सेगमेंट में हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एंटोनेम एंड सिनोनेम। तो दोस्तों आज 100 एंटोनेम एंड सिनोनेम के बारे में हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो में। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और समझने की कोशिश करिए कि एंटोनेम किस तरह से आंसर किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ऑल्दो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सिंपल रहने वाला है, तो दोस्तों हो सकता है आपको ऐसा कुछ टिपिकल वहां पर ना लगे, बट स्टिल दोस्तों जब आप एग्जाम में होते हैं तो कई बार सिंपल चीजें भी आपको नहीं पता होती हैं, आपके माइंड में नहीं आती हैं या स्लिप हो जाती हैं। वहां पर हमें लगता है कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता था लेकिन एग्जाम में मैं भूल गया। तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है, आपको उन चीज़ों को लर्न करना होता है, रिपीट करना होता है, उसके बाद दोस्तों आप उन्हें एग्जाम में याद रख पाते हो, फिर जाकर वहां पर आप उन्हें एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं 100 एंटोनिम और सिनोनिम के बारे में, साथ ही जानेंगे दोस्तों एंटोनिम क्या होता है। आज की दोस्तों जो हमारा वीडियो है वो मेनली प्राइमरली फोकस करेगा दोस्तों एंटोनिम के ऊपर। तो आई एम श्योर आप सब भी दोस्तों एंजॉय करेंगे वीडियो को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही वन मोर रिक्वेस्ट दोस्तों, हमारे वो दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से भी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के ऊपर। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं, स्क्रीन आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी दोस्तों ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए हमारे आज के सेशन को। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है वो रहने वाला है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो हमारा टॉपिक है यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आज हम बात करेंगे सिनोनिम एंड एंटोनिम के बारे में। तो दोस्तों 100 एंटोनिम और सिनोनिम हम आज कवर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी को लास्ट तक बने रहना है वीडियो में। और हाँ, वीडियो को दोस्तों आपको लाइक और शेयर कर देना है, शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दोस्तों अभी लाइक तो आप वीडियो को कर सकते हैं। तो जितने भी लोग दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, सो आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हमारी वीडियोज अपलोड होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एक एंटोनिम क्या होता है। तो दोस्तों एंटोनिम क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है दोस्तों जिसका मीनिंग जो है गिवन वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उसको दोस्तों हम बोलते हैं एंटोनिम। यानी आपने जो भी बोला उसको जो भी ऑपोजिट वर्ड होगा वो होता है एंटोनिम। एंटोनिम दोस्तों कितने तरीके के होते हैं, तो एंटोनिम हमें देखने को मिलते हैं 3 तरीके के। अब कौन कौन से 3 तरीके के एंटोनिम होते हैं दोस्तों, तो अगर हम पहले एंटोनिम टाइप की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पहला एंटोनिम टाइप जो होता है वहां पर आप एक प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड नहीं करते, यानी कि वहां पर कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं होता है, ऐसे वर्ड को दोस्तों हम बोलते हैं डायरेक्ट एंटोनिम। यानी फॉर एग्जांपल दोस्तों अबंडेंस का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया डर्ट, यानी कि यहाँ पर ना ही प्रीफिक्स ऐड किया गया ना ही सफिक्स ऐड किया गया, एक डायरेक्ट दोस्तों वर्ड हमें देखने को मिलता है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एंटोनिम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अबंडेंस आपने देखा, उसके अलावा आपने देखा एब्जेक्ट, एलिवेटेड, जेनिथ और नेडर। जेनिथ यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट और नेडर यानी कि बॉटम पॉइंट। तो इस तरह से दोस्तों आपने बिल्कुल ऑपोजिट आप दो साइड देखने को यहाँ पर मिलते हैं। दूसरे टाइप की दोस्तों अगर हम बात करें तो दूसरे टाइप में आपको देखने को मिलते हैं ऐसे एंटोनिम दोस्तों जिनको फॉर्म किया जाता है एक प्रीफिक्स को लगाकर किसी वर्ड से पहले। यहाँ फॉर एग्जाम्पल दोस्तों प्रीफिक्स के तौर पर आप देख सकते हैं इन, UN या फिर DIS यानी जिसको हम डिस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों एक प्रीफिक्स को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया इनएबिलिटी, ठीक है। वेल है, एक प्रीफिक्स को ऐड कर दिया एंटोनिम में, वो क्या बन गया अनवेल।
एडवांटेज है, प्रीफिक्स को ऐड कर दिया तो बन गया दोस्तों डिसएडवांटेज। तो इस तरह से दोस्तों एक सेकेंड टाइप के एंटोनिम को बनाया जाता है। वो आप कैसे समझोगे यहाँ पर प्रीफिक्स लगना है नहीं लगना है, तो दोस्तों जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छे से दोस्तों आप ये समझने लगेंगे कि कहाँ पर आपको प्रीफिक्स लगाना है और कहाँ पर आपको डायरेक्ट वर्ड का यूज करना है। तीसरे टाइप के दोस्तों अगर हम बात करें तो तीसरे टाइप का दोस्तों जो होता है एंटोनिम, वहां पर क्या किया जाता है दोस्तों, सफिक्स जो है वो वहां पर लगा दिया जाता है वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप देख सकते हैं केयरफुल है तो सफिक्स लगा दिया केयर लेस, लेस को ऐड किया तो क्या बन गया केयरलेस हो गया। फेथफुल है, फेथ में लेस को ऐड किया तो वो बन गया फेथलेस। तो यहां पर आपने सफिक्स लगा दिया, एक में आपने लगा दिया प्रीफिक्स, तो इस तरह से एक में आपको प्रीफिक्स लगाया तो वो बन गया, एक में सफिक्स लगाया तो वो बन गया, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है डायरेक्ट टाइप। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट टाइप आपको बताना होता है, तो वो आपको लर्न करने होंगे दोस्तों, तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो तीन तरह के दोस्तों इस तरह से एंटोनिम और सिनोनिम हमें देखने को मिलते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो अब आपने ऑलरेडी समझ लिया है दोस्तों कि कितने तरीके के एंटोनिम होते हैं। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं एंटोनिम सिनोनिम के। तो यहाँ पर मेनली एंटोनिम हमारा फोकस रहेगा, लेकिन आप इसको सिनोनिम के तौर पर देख सकते हैं क्योंकि आपको ये हेल्प करेंगे यही वर्ड के जब आपको सिनोनिम निकालने होंगे तो। लेकिन आज का टॉपिक मेनली रहेगा हमारा एंटोनिम के ऊपर। तो जैसा दोस्तों हमारा पहला वर्ड है वो है एबिलिटी, तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था वहां पर, तो ये हो जाएगा आपका इनएबिलिटी। बिटर, बिटर का दोस्तों एंटोनिम हो जाता है स्वीट, वहीं स्वीट को जब आप पहले लेकर आओगे तो उसका एंटोनिम हो जाएगा बिटर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अबेंडन, तो अबेंडन का एंटोनिम हो जाएगा आपका रिटेन। अबेंडन होता है किस चीज को छोड़ देना, रिटेन होता है उस चीज को प्राप्त कर लेना। ब्लंट, ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा धार नहीं है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है वो, उसका ऑपोजिट हो गया शार्प। अब्यूज, ठीक है, अब्यूज का ऑपोजिट हो गया प्रेज। अबव, ऊपर, उसका ऑपोजिट हो गया बिलो, बिनीथ एंटोनिम, ठीक है। ब्लेसिंग, किसी को दुआ देना, उसका एंटोनिम हो गया कर्स। तो इस तरह से आपने यहां पर देखे, सात यहां पर आपने एंटोनिम देखे। आगे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसी कुछ और एग्जांपल के बारे में, तो एब्सेंट, तो उसका हो गया प्रेजेंट। बोल्ड, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा साहस हो, उसका ऑपोजिट हो गया टिमिड, जो कि बहुत ज्यादा दब्बू हो या बहुत ज्यादा डरता हो किसी भी काम को करने में या बोलने में बात को, तो वो हो गया टिमिड। एब्सर्ड, ठीक है, एब्सर्ड क्या हो गया, जिसका कोई भी वहां पर मतलब ना बनता हो, एक सिंपल वर्ड में आप बोलो तो बेहुदा के लिए भी इसका यूज किया जाता है या वहां पर उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज एब्सर्ड। उसका एंटोनिम हो गया रेलेवेंट, यानी वहां पर वो चीज बिल्कुल बनती है, ठीक है, या वहां पर वो चीज फिट बैठती है, दैट इज रेलेवेंट, ठीक है। बोरो, उसका ऑपोजिट हो गया लेंड, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। रिजेक्ट, एक्सेप्ट, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं दोस्तों। बॉटम, टॉप, एंटोनिम हो गया टॉप। अब एट टाइम्स क्या होता है दोस्तों, ऑल दो हमें ये सारे वर्ड पता है, बहुत ही सिंपल से वर्ड हैं, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, बट एट टाइम्स क्या होता है, जब दोस्तों एग्जाम्पल वहां पर नहीं दे रखे होते हैं, तब क्या होता है कि इन्हीं वर्ड की मीनिंग दोस्तों हमारे माइंड में नहीं आता है। जैसे बॉटम है, तो बॉटम दोस्तों वहां पर सिर्फ बॉटम दे रखा है और आपसे पूछा इसका एंटोनिम बताइए, तो एट टाइम्स क्या होता है कि बॉटम का एंटोनिम भी हमारे माइंड में नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आदत है दोस्तों साथ में देखने की। आपको प्रैक्टिस करते समय इस चीज को फॉलो करना है कि आप एक साइड को हाइड कर दीजिए और फिर हाइड करके दोस्तों उनकी जो भी एंटोनिम है, सिनोनिम है, उसको प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दिया है तब भी आप ये समझ पाएंगे कि आपको आंसर क्या देना है। तो इसी तरह दोस्तों एडवांस का हो जाएगा रिट्रीट, ठीक है, एडवांस होता है आगे बढ़ना, रिट्रीट होता है पीछे हटना। आगे दोस्तों कुछ और एंटोनिम्स को देखते हैं। बोस्टफुल, उसका ऑपोजिट हो गया मॉडेस्ट। बोस्टफुल हो गया दोस्तों बहुत ज्यादा जो हाँकते हैं, बहुत ज्यादा फेंकते हैं, फेकू लोग जो होते हैं उन्हें बोलते हैं बोस्टफुल। मॉडेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा ईमानदार, सोच समझ कर बोलने वाले, अपनी बात की वैल्यू करने वाले, ठीक है, वो होते हैं मॉडेस्ट। अलाइव, डेड, सिंपल है। डल, ब्राइट, ठीक है, डल बुझा बुझा सा, ब्राइट बहुत चमक रहा है। एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी हो गया बहुत ही खराब हालत, मालिया हालत, गरीबी, वहां पर चीजें नहीं है उस तरीके से प्रॉपरली। प्रॉस्पेरिटी, उसका ऑपोजिट हो गया, हम अक्सर ग्रीटिंग्स में यूज करते हैं प्रॉस्पेरिटी का, खुशहाली के लिए। इस तरह ब्रॉड, नैरो, ब्रॉड यानी कि बहुत ही बड़ा, नैरो यानी कि बहुत छोटा पतला, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। बेनेडिक्शन, मेलेडिक्शन, ठीक है, इस तरह से आपको यहां पर
इस तरह से याद रखना है, और आप याद तभी रख पाएंगे जब आप उनका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ऑल दो ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, आप सबने पढ़ रखे हैं, बट स्टिल दोस्तों एग्जाम के टाइम पर यही वर्ड हमारे माइंड में नहीं आते हैं। तो एक साइड को आप हाइड करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, तो उससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि आप कितने आंसर कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल को। एंजल डेविल, ठीक है, एंजल परी, डेविल कोई भी शैतान, बेनिफिशियल हार्मफुल फायदेमंद नुकसानदायक, एफर्मेटिव हाँ में नेगेटिव ना में, ठीक है, एग्री डिसएग्री, बाय सेल ऑलवेज हमेशा नेवर कभी नहीं, केयर ध्यान रखना, नेग्लेक्ट अवॉइड करना, ठीक है। नेग्लेक्ट और अवॉइड दोस्तों सिनोनिम के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं। केयर होता है कि चीज की ध्यान रखना, केयर करना, नेग्लेक्ट होता है उस चीज से बचना, ठीक है, आप देख के भी उस चीज को अवॉइड कर देते हैं, दैट इज नेग्लेक्ट। इसी तरह दोस्तों कुछ और वर्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ऑल, ठीक है, सभी, अगर उसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा नन, चीप बहुत ही सस्ता, एक्सपेंसिव बहुत महंगा, अपेयर सामने आना, वेनिश गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना, ठीक है, समाप्त हो जाना, दैट इज वेनिश, अटैक प्रोटेक्ट, ठीक है, एनालिसिस करना और उस चीज को छोड़ देना, दैट इज सिंथेसिस, ठीक है, अपॉइंट करना डिसमिस कर देना निकाल देना, आर्म करना डिसआर्म करना, आर्म करने का यहाँ पर दोस्तों मतलब है कि आपके पास कुछ भी कुछ भी वेपन है आपके पास में या हथियार है, दैट इज आर्म, और डिसआर्म कर देना यानी वेपन आपसे छीन लिया गया या आपने उस चीज को रख दिया, ठीक है, दैट इज डिसआर्म। इस तरह कुछ और वर्ड और एंटोनिम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि अराइवल, ठीक है, ट्रेन के लिए अक्सर हम यूज करते हैं अराइवल एंड डिपार्चर, ठीक है, किसी पर्सनैलिटी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल नकली नेचुरल बिल्कुल मतलब ट्रू, या अपनी अपनी जो स्टेट होनी चाहिए नेचुरली उस स्टेट में है वो, एंग्री, ठीक है, गुस्से में, प्लीज्ड खुश शांत हैप्पी, असेंट चढ़ाई करना, डिसेंट नीचे उतरना, ठीक है, अट्रैक्ट किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, रिपेल किसी को गुस्सा दिलाना या मतलब उससे किस तरीके की दुश्मनी बना लेना, अबंडेंस बहुत ज्यादा मात्रा में होना, इतना होना कि किसी चीज की कमी नहीं है आपके पास, दैट इज अबंडेंस, स्कार्सिटी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है आपके पास, कमी ही कमी है हर चीज की, दैट इज स्कार्सिटी, अलाय फ्रेंड, ठीक है, अलाय मीन्स होता है फ्रेंड, एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरह दोस्तों कुछ और हम बात करते हैं वर्ड्स और एंटोनिम्स के बारे में, असेंबल यानी गैदर करना, डिस्पर्स यानी कि फैला देना उसको, जगह जगह बिखेर देना, असेंबल यानी कि एक जगह आपने इकट्ठा करके उसको रख लिया, ऑडिबल सुनने लायक है, इनऑडिबल सुनाई नहीं आ रहा है, सुनने लायक नहीं है, ठीक है, बैरन फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल यानी कि वहां पर आप चीजों को ग्रो कर सकते हैं, बैरन यानी कि वहां पर आप चीजों को ग्रो नहीं कर सकते हैं, बंजर के तौर पर दोस्तों आप उसे देख सकते हैं, ब्यूटीफुल, ठीक है, अगली बहुत ही सिंपल है, बिगिन एंड बिलीव, बिलीव के लिए दोस्तों यहाँ पर दो एंटोनिम दे रखे हैं, एक हो सकता है इसका डाउट और दूसरा हो सकता है डिसबिलीव, तो इस तरह से दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा कि क्या इसका एक ही एंटोनिम है या इसका कुछ और भी एंटोनिम हम यूज कर सकते हैं, कंसील और रिवील, ठीक है, कंसील हो गया उस चीज को हाइड करके रखना, और रिवील हो गया उस चीज को आपने सब में फैला दिया, आपने सबको बता दिया, दैट इज रिवील, ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका वर्ड और एंटोनिम। कुछ और वर्ड्स की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंपलसरी ऑप्शनल, ठीक है, ये हम अक्सर हम अपने स्टडीज में पढ़ते हैं, सिलेबस में पढ़ते हैं कि ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है और ये आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी यानी करना ही करना है और ऑप्शनल आप चुन सकते हैं, आपके पास ये डिसीजन है, कनेक्ट डिसकनेक्ट, कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट क्या होता है कि आप उस काम को करने के कितने लायक हो या आप कितने सक्षम हो उस काम को करने के, दैट इज कॉम्पिटेंट, उसका ऑपोजिट हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, यानी आप उस काम को करने के लायक नहीं है, आप में वो केपेबिलिटी नहीं है, डिक्रीज का हो जाएगा इंक्रीज, डीप गहरा शैलो बहुत कम, नैरो नैरो के शॉप नैरो के रूप में आप इसे देख सकते हैं, डिले देर करना, हेस्ट जल्दी करना, ठीक है, डेथ एंड बर्थ कॉमन से वर्ड है दोस्तों, हम अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन्हें, उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं ड्राई, उसका ऑपोजिट हो जाएगा वेट, डेड अलाइव, डिफिकल्ट इजी, डिसेंट, डिसेंट का मतलब यहाँ पर अच्छे से है, इनडिसेंट अच्छा नहीं है, या आप उसको खराब भी बोल सकते हैं, ऑफेंसिव बहुत ज्यादा गलत
शब्दों का प्रयोग करना, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज उसको बहुत ज़्यादा गलत रखना, आप रूडली बात कर रहे हैं या किसी को किसी के चढ़कर बात कर रहे हैं, किसी पर गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज ऑफेंसिव। वहीं अगर आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, दैट इज डिफेंसिव। तो यहाँ पर दो वर्ड आप देख सकते हैं। डेंस होता है घना, ठीक है, जंगल के लिए, झाड़ियों के लिए यूज किया जाता है, बादलों के लिए यूज किया जाता है, और भी कई जगह इसका यूज आप करते हैं घने के लिए। वही स्पार्स हो जाता है बिखरा बिखरा, यानी चीजें दूर दूर हैं, इतनी घनी नहीं और आप चीजों को क्लियरली देख पा रहे हैं। डिपॉजिट और विड्रॉ ऑब्वियसली कॉमनली हम यूज करते हैं मनी के लिए, ठीक है, जब भी बैंक में जाते हैं ये दोनों ही वर्ड का यूज हम वहां पर करते हैं। कुछ और एंटोनिम्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, होप, होप यानी कि आपको उम्मीद है, डिस्पेयर आपको उम्मीद नहीं है, नो यानी नो होप को आप बोल सकते हैं वन वर्ड में डिस्पेयर, ठीक है, आशा नहीं है, या आप इसे बोल सकते हैं निराशा। डिस्टेंस नियर, डिस्काउंट है और प्रीमियम है, प्रीमियम यानी कि फिक्स कॉस्ट है वहां पर, और डिस्काउंट यानी कि वहां पर आपको ऑफर मिल जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई, ड्रीम रियलिटी, डाउन अप, ठीक है। कुछ और वर्ड को देखते हैं दोस्तों। डिफरेंट सेम, ईस्ट वेस्ट, एडिबल एंड इनएडिबल, ठीक है, एडिबल यानी कि खाने लायक है या नहीं है, और इनएडिबल यानी कि खाने लायक नहीं है। डिस्काउंट प्रीमियम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई ड्रीम, ये वही सेम दोस्तों वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आगे कुछ और वर्ड को दोस्तों हम देखते हैं। चीयरफुल सैड, चेयरफुल यानी कि आप खुश हो वहां पर, ठीक है। काम टर्बुलेंट, काम यानी कि वहां पर यू नो काम इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि अच्छे मूड में हो आप, ठीक है, वहीं उसका ऑपोजिट हो जाएगा टर्बुलेंट, अच्छे मूड में नहीं हो, थोड़े परेशान हो, थोड़े गुस्से में हो, चिड़चिड़े हो, दैट इज टर्बुलेंट, ठीक है। अब क्या होता है, प्लेन जब लैंड होता है तो क्या होता है, टर्बुलेंस होता है, क्यों, प्लेन जो है लैंडिंग से पहले वहां पर टर्बुलेंस आपको फील होता है, तो वहां पर भी टर्बुलेंट का यूज किया जाता है। क्लेवर स्टूपिड, क्रूल काइंड, क्रिएट डिस्टोर्स सॉरी डिस्ट्रॉय, कोर्स फाइन, कॉमन और रेयर, ठीक है। इस तरीके से कुछ कॉमन वर्ड भी आपको देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों हम कुछ कॉमन वर्ड्स की ही बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वीडियो हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आपका जो डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों वो बढ़ता जाएगा। तो अभी ये वर्ड मे बी आपको सिंपल लग रहे हो, लेकिन अगला जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों हम उसमें कुछ और एंटोनिम्स सिनोनिम को कवर करेंगे, तो वहां पर डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा, इसलिए आप प्रिपेयर करते हुए चलें इन सभी जो भी एंटोनिम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों आप प्रिपेयर रहेंगे और अच्छे से इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। तो आगे कुछ और वर्ड के बारे में दोस्तों बात करते हैं। कॉन्केस्ट डिफीट, कॉन्केस्ट हो गया जीत लेना, डिफीट हो गया हार जाना या हरा देना। उसके अलावा दोस्तों कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, कंफ्यूजन सिंपल, कूल कूल के साथ में, अब यहाँ पर आपको याद रखना है वार्म का यूज किया गया है, कूल के साथ में हॉट का यूज आपको नहीं करना है। हॉट के लिए आप किसका यूज करोगे, हॉट के लिए आप यूज करोगे कोल्ड का, यहाँ पर बोला गया है कूल, तो कूल के साथ में आपको यूज करना है वार्म। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि छोटा होना, घटना, वही एक्सपेंड हो गया उसका बढ़ना, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट, कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन, ठीक है। आगे कुछ और वर्ड के बारे में दोस्तों बात करते हैं। कॉन्कॉर्ड डिस्कॉर्ड, ठीक है, कॉमेडी ट्रेजेडी, एक्सपेंड सेम चीज है दोस्तों। ईगर, ईगर यानी बहुत ज्यादा इच्छुक, रिलेक्टेंट झिझक रहे हो आप, एग्जैक्ट, ठीक है, इनएक्यूरेट, एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल पॉइंट पर हो आप, इनएक्यूरेट यानी कि आप इधर उधर हो, यानी कि पॉइंट पर आप नहीं हो। शॉर्टेज कमी है, एक्सेस बहुत ज्यादा है, एक्सटीरियर बाहर का, इंटीरियर अंदर का। तो आज का दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था ये हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने बात किया दोस्तों 100 एंटोनिम्स के बारे में। ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अगले वीडियो में हम कुछ और एंटोनिम और सिनोनिम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम बाकी है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि एंटोनिम में देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आज हमने सिर्फ समझा है कि एंटोनिम जो है 100 हैं, और यू नो 100 वर्ड है, उनके 100 आपको एंटोनिम हमने समझे हैं वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरह से एंटोनिम और सिनोनिम आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले हम एंटोनिम सिनोनिम को समझेंगे, फिर हम बात करेंगे उनकी एक्सरसाइजेस के बारे में कि एग्जाम में एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ में। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है उसके लिए भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और लास्ट में रिक्वेस्ट हमारे उन सभी दोस्तों से, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी आपको हमारी वीडियोज मिलती रहें। तो वीडियो दोस्तों आप सभी लास्ट तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का
धन्यवाद।